भाजपा लगातार राजस्थान में बढ़त बनाती हुई और कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में हो सकता है रुझानों के अनुसार वो बनाए। जैसे उलट फेर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी ने, एक तरफ अभी अगर बात करें तो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो आंकड़ों को छूती नजर आ रही थी, पूर्ण बहुमत की कहीं ना कहीं जो है जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में अपनी सरकार को बनाने के लिए चाहिए उन आंकड़ों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है छूती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वहीं जो है फिर जो कांग्रेस है वो एक दो सीटें, पांच सीटें, दस सीटों, ऐसे इन सीटों के बीच में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है लगातार जो युद्ध है, एक तरीके से चुनावी युद्ध कह सकते हैं, वो लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तेलंगाना की तरफ नजर करते हैं, एक बार तेलंगाना को देखते हैं, 119 सीटें, टीआरएस 41, बीजेपी 9, कांग्रेस 64। तो लगातार अगर देखें तो लमसम 64 से लेकर के 59 सीटों के आंकड़े जो है वो अब सामने आ गए हैं कांग्रेस के, कि 59 सीटों पर तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस लगातार जो है वो बढ़त बना रही है। तो 119 सीटों में अगर 59 सीटों पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हैं तो देखा जा सकता है कि इन चार राज्यों में कहीं ना कहीं, तीन राज्यों में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए नजर आएगी तो एक राज्य ऐसा है तेलंगाना जहां पर कांग्रेस जो है वो इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीआरएस जो है वो 41 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। तो टक्कर अगर कहा जाए कांग्रेस और बीआरएस के बीच में तो लमसम 20 सीटों का कुछ जो है हेरफेर जो है वो देखा जा सकता है, बीच में अंतर देखा जा सकता है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में तेलंगाना में। लेकिन कहीं ना कहीं ये रुझान जो है आधा पहर बीत चुका है और ये रुझान ही नतीजों में बदल जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जो है इस बार बनती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता